आपने परावर्तन के नियम के बारे में सीखा क्या आपने इसका उपयोग कहां हो सकता है इसके बारे में कभी सोचा है मैं यदि तुम्हें दो दर्पण दू और तुम्हारे दोस्त को देखने के लिए कहूं लेकिन ऐसे कि वो तुम्हें देख ना पाए तो तुम क्या करोगे परिदर्शी और बहुरूप दर्शक परावर्तन के नियमों का उपयोग करते हुए बनाए गए उदाहरण हैं हम इसे समझ लेंगे और इसका आसान संस्करण भी बना लेंगे परिदर्शी पेरिस्कोप परिदर्शी तुम्हें दीवार के आसपास कोनों में और इतर बाधाओं में देखने के लिए सहायता करता है पनडुब्बियां अधिकतर समय में समुद्र स्तर के नीचे रहती हैं पनडुब्बियों में परदर्शी होते हैं ताकि अंदर के लोग पानी के पृष्ठभाग पर क्या है ये देख सके परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित है पेरिस्कोप में दर्पण होते हैं जो ट्यूब कंटेनर के विरुद्ध बिंदुओं में स्थित होते हैं दर्पण 45 डिग्री में स्थित हो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रकाश हमेशा उसी कोण में परावर्तित होता है जिस कोण में वो आपतित होता है क्योंकि प्रकाश हमेशा उसी कोण में परावर्तित होता है जिस कोण में वो आपतित होता है वस्तु से निकलने वाला प्रकाश ऊपर के दर्पण पर 45 डिग्री में पड़ता है और वापस भी उसी कोण में आता है इससे प्रकाश सीधा नीचे जाता है और नीचे रखे हुए दर्पण पर पड़ता है यह दर्पण भी 45 डिग्री में तुम्हारी आंखों में प्रकाश परावर्तित करता है कुछ विकसित परिदर्शी लेंस और दर्पण का मिश्रण इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं कृति हम ए साइज का कार्डशीट पेपर इस्तेमाल करके और एक दर्पण की सहायता से आप बुनियादी परिदर्शी तैयार कर सकते हैं कागज को चौकोर ट्यूब में मोड़कर दो एक्रेलिक दर्पण ऐसे अंतर्निर्विष्ट किए जाते हैं ताकि वो बाजू की दीवारों को 45 अंश में हो विरुद्ध दिशा में दो द्वार बनाए जाते हैं एक द्वार क्षेत्र की तरफ निर्देश करता है और दूसरा क्षेत्र के निरीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है यदि तुम्हारे पास एक्रिलिक दर्पण नहीं है तो तुम आम दर्पण के उपयोग से मन दर्पण बना सकते हो एक दर्पण का या दोनों दर्पणों का कोण बदलकर देखिए कि पारदर्शी अभी काम कर रहा है या नहीं चुनौती क्या तुम ऐसा परिदर्शी बना सकते हो जो तुम्हें तुम्हारे पीछे देखने के लिए सहायता करे बहुरूप दर्शक बहुरूप दर्शक विज्ञान और कला का परिपूर्ण मिश्रण है जिसका मतलब है सुंदर रूपों को देखने का साधन आपने तुम्हारे बचपन में एकाध ऐसा बहुरूप दर्शक भी देखा होगा जबकि इसका आविष्कार सौ साल पहले हुआ है इसके बहुत प्रकार बाजार में उपलब्ध हैं बहुरूप दर्शक के मूलतः चार मुख्य अवयव हैं आय पीस बाहरी ढांचा दर्पण व्यवस्था और वस्तुकक्ष ये दर्पण व्यवस्था है जो जादू का निर्माण करती है दर्पण की आकृति इस्तेमाल किए हुए दर्पण की संख्या जिसमें वो जोड़े गए हैं वो कोण इन सब के कारण एक प्रतिमा बनती है जब दो दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं तब वो वी आकार में रखे जाते हैं और तीसरी बाजू काली की जाती है तीन दर्पण व्यवस्था त्रिकोण के किसी भी रूप में रखी जा सकती है जब तक तीन कोणों की माप कुल मिलाकर 180 है सबसे प्रसिद्ध बहुरूप दर्शक सीधे दर्पण जो समभुज त्रिकोण के आकार में रखे जाते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है वस्तुकक्ष में वो वस्तु होती है जो दर्पण से दोहराई जाती है आमतौर पर ये रंगीली छोटी बनावटी और पारदर्शी होती है ये प्लास्टिक अथवा कांच के मनके चिप्स बीज स्फटिक या गोलियां आदि बहुत लंबी सूची है रंग आकृति स्वरूप और सांचे हमेशा बदलने वाले कभी न दोहराने वाले चित्र बनकर एकत्रित होते हैं अब हम बुनियादी बहुरूप दर्शक बनाते हैं कृति हम तीन एक्रेलिक दर्पण इस्तेमाल करेंगे और इन्हें रबर बैंड से बांधेंगे पारंपरिक वस्तु के अलावा हम पैटर्न तैयार करने के लिए पेपर इस्तेमाल करेंगे और पेन से अलग पैटर्न बनाएंगे पेपर डिस्क को अंदर से रंग देकर टूथपिक में बन करके एक दर्पण को जोड़ देते हैं एक आँख बन करके और दूसरी आँख त्रिकोणी कैविटी में रख कर बहुरूप दर्शक प्रकाश स्रोत की ओर रखा जाता है पेपर डिस्क को धीरे से घुमाया जाता है ताकि अलग अलग पैटर्न तैयार हो सके ये व्यवस्था हमें बहुरूपदर्शी जल्दी बनाने के लिए और अलग पैटर्न देखने के लिए सहायता करती है यदि तुम्हारे पास एक्रिलिक दर्पण नहीं है तो तुम कांच का दर्पण भी इस्तेमाल कर सकते हो विविध आकृति रंग का प्रयोग करो ताकि सुंदर पैटर्न मिल सके चुनौती चार दर्पण का बहुरूप दर्शक बनाने का प्रयास करो सारांश हमने परिदर्शी और बहुरूप दर्शक की कार्य पद्धति के बारे में सीखा और रोज इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के जरिए उसे बना लिया विविधता लाते हुए तुम्हारे स्वयं के परिदर्शी और बहुरूपदर्शी बना